नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। दोस्तों आज कुछ जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत रंग ला रही है या नहीं, क्योंकि YouTube पर वीडियोस मैं सबके लिए डालता हूँ, खासकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन वो भी पढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं। WhatsApp पेड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसमें तो सुधार मैं प्रतिदिन देख ही रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ खुद ही, पर आज आप में कितना इम्प्रूवमेंट है यह देखना है। आज की वीडियो मैंने अपने पिछली सारी वीडियोस की एक मिक्स वीडियो बनाई है, आप अपने खुद का एक रिज़ल्ट अपने सामने देख सकते हैं कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट है और कितना चेंज है। मेरी वीडियोस को देखकर और मैं यह भी चीज़ देख सकूंगा कि आप मुझसे कितना सीखे हैं और पढ़े हैं। और दोस्तों अगर आप भी अपने में जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आखिरी रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं आज, ठीक है दोस्तों। ये कल सुबह के लिए लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ मैं रात में बैठ के, हालांकि मैं वीडियोस आप सभी के लिए काफ़ी लेट नाइट ही बनाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि रात में ही टाइम मिलता है, पूरा दिन हमारा पेड ग्रुप में ही चले जाता है, कभी उसके क्वेश्चंस बनाने में और कभी उसको करवाने में, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वीडियोज़ लगातार देता रहूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चंस का आज ये आपका टेस्ट है, तो देखते हैं किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें पुराने हैं, मोस्टली 40-45 के आसपास पुराने हैं, 5 न्यू क्वेश्चंस हैं, लेकिन पुराने कौन कौन रिवाइज कर रहा है और किसको आते हैं वो देखना है आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पुरुषों की डिकैथलॉन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन पहली प्रतियोगिता में शामिल था। इन मेंस डिकैथलॉन कंटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन फर्स्ट ऑफ द कंपटीशन। दोस्तों यहाँ था नहीं है, है ही होगा, ठीक है था को हटा देना। तो क्या है आंसर दोस्तों, सही बताया सी शॉर्ट पुट, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। गतिशील शक्ति भी कहा जा सकता है, डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी ऑल्सो कॉल्ड। तो डायनामिक जहाँ आ गया मतलब कि एक तरीके से मूवमेंट आ रही है, ठीक है, और जहाँ मूवमेंट आ रही है तो मूवमेंट आइसोटोनिक में सबसे बढ़िया रहती है हमारी, ठीक है दोस्तों, जिसमें मसल लेंथ चेंज होती है। यहीं पे अगर आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ कहता, आज थोड़ा सा डिस्कशन कम होगा, क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, लेकिन स्टिल जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूँगा, स्टैटिक स्ट्रेंथ होता अगर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो आइसोकाइनेटिक होती, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वसा में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस परसेंट में होते हैं। फैट्स कंटेन कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन विच परसेंटेज। तो दोस्तों बहुत बार करा चुका हूँ पेड ग्रुप में भी यूट्यूब पे भी, 76 12 12, और याद रखिएगा क्वेश्चन में ये यहाँ भी कर सकता है, इसको यहाँ भी कर सकता है, तो उस हिसाब से इसको याद रखें, ना कि सिर्फ 76 12 12, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, पशु कोशिकाओं में डैश नहीं होता है, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव। तो दोस्तों कई बार करा चुके हैं सेल वॉल नहीं होता है, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि हम लोग भी एनिमल से हैं और हम में प्लांट से ज़्यादा शक्ति है, हम अपने आपका ध्यान खुद रख सकते हैं, इस वजह से हम में सेल नहीं होता है, ठीक है जी, प्लांट्स नहीं रख सकते हैं तो प्लांट में रहता है ये। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, घुमाएगा थोड़ा सा। 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पीटी उषा ने कितने पदक जीते। हाउ मैनी मेडल्स डिड पीटी उषा विन इन द 1986 सियोल एशियन गेम्स। तो आपके हिसाब से यहाँ पे 4 आंसर है जो कि गलत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मेडल्स की बात हुई है, तो टोटल मेडल्स कितने जीते थे, तो 5 जीते थे, 4 गोल्ड जीते थे दोस्तों और 1 हमारा सिल्वर जीता था। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, और अगर गोल्ड पूछता तो सिर्फ 4 आंसर होता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, रक्त संचार प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो दोस्तों किसने करी थी, विलियम हार्वे जी ने करी थी, विलियम हार्वे जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। भारत पहली बार डेविस कप के फाइनल में पहुँचा, डैश में। इंडिया रीच्ड द फाइनल ऑफ द डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो दोस्तों कब पहुंचा था डेविस कप के फाइनल में पहली बार, 1966 में पहुंचा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पेपर में आने के पूरे चांस हैं। एट्थ क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक प्रक्रिया करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म्स इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस। इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस मतलब कि आपने खाना खाया, जो भी फूड का आइटम आपने खाया, तो मुंह में तो गिटक लिया, लेकिन गिटकने के बाद वो कब नीचे चलेगी आपको पता ही नहीं, आप चाह के भी वो चीज़ें नहीं रोक सकते, तो जो चीज़ आप नहीं रोक सकते वो इनवॉलेंटरी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, मतलब कि, और करता कौन इन्हें, मेडुला ओबलोंगाटा कंट्रोल करता है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
लड़कियों के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी है? द हाइट ऑफ द वॉलीबॉल नेट फॉर गर्ल्स इज, तो दोस्तों कितनी है? 2.24 मीटर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन, राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू, तो काफ़ी बार बता चुके हैं, गोल्फ से संबंधित है। यहाँ पे गोल्फ लिख लीजिए, गलती से हिंदी में बैडमिंटन आ गया है, गोल्फ लिख लीजिएगा। 11th क्वेश्चन, किसने कहा चरणाम सुखम आसनम, हु सेड स्थिरम सुखम आसनम, तो दोस्तों किसने कहा था? पतंजलि जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन, ग्रुप में पेड ग्रुप में बहुत बार करवा दिया है और यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा बार, लेकिन स्टिल पेड ग्रुप में आज भी लोग गलत कर देते हैं। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन डैशवर्थ में स्थापित किया गया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन स्टेब्लिश्ड इन डैश ईयर, तो दोस्तों कब हुआ था ये? 1950 में हुआ था। आप 1954 को ना करें, उस टाइम पे हमारी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी थी, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान रखें। इसका आंसर 1950 ही है। 13th क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स एक डैश शब्द है, बायोमैकेनिक्स इज़ अ डैश वर्ड, तो क्या है दोस्तों? ग्रीक वर्ड है, पहले करवा चुका हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि आप में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, हमारी तरफ से मेहनत पूरी है। 14th क्वेश्चन, डिक फॉसबरी ने हाई जंप इवेंट में फॉसबरी फ्लॉप शैली का आविष्कार किया था, डिक फॉसबरी हु इन्वेंटेड फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल इन हाई जंप इवेंट बिलोंग्स टू, तो दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, कहाँ के निवासी हैं? तो यूएसए के निवासी थे, ठीक है, 1968 मैक्सिको, ठीक है, 1968 में इनका गोल्ड मेडल था हाई जंप में, और इन्होंने जो नई टेक्निक निकाली थी, फॉसबरी फ्लॉप कहते हैं उसको, फॉसबरी फ्लॉप, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15th क्वेश्चन, मांसपेशी का सिकुड़ा तत्व है, द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल इज, तो दोस्तों क्या है? मायोफाइब्रिल है, जिसमें हमारे प्रोटीन होते हैं दो, एक्टिन और मायोसिन। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और ये टेस्ट है, वरना तो आपको पता है मैं हर वीडियो को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताता हुआ चलता हूँ। 16th क्वेश्चन, सकारात्मक तनाव है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज, इस क्वेश्चन को हल्का सा बता देंगे, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सही बताया, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये ना सोचें कि तनाव कभी सकारात्मक नहीं हो सकता है। इसको हम कहते क्या हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं ई यू स्ट्रेस, हिंदी में भी मे बी यही कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा वर्ड ऐसा है, हिंदी में यही कहेंगे। अब आप सोच रहे हो तनाव कैसे सकारात्मक हो सकता है? देखिए, अगर आप इंग्लिश में बोलूँ, लूजिंग द लव्ड वंस, ठीक है, अपने जिन फैमिली मेम्बर से आप बहुत प्यार करते हैं तो उनको खोने की टेंशन आपको हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा बनी रहती है, ठीक है, और ये स्ट्रेस आपको उनसे और ज़्यादा प्यार करवाता है और आपको उनके लिए अच्छा लाइफस्टाइल के लिए मेहनत करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी जान से जाना चाहना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छा दे दिया, अब याद रहेगा। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस पहली अश्वेत महिला ने ओलंपिक पदक जीता है? व्हाट फर्स्ट ब्लैक वुमेन हैज़ वॉन द ओलंपिक मेडल्स, तो दोस्तों किसने जीता है? एलिस कोचमैन, काफ़ी बार करवा चुका हूँ, इन चारों के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है जी। इनके पास सबसे ज़्यादा मेडल्स बताए थे, ये पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता और ये ब्लैक वुमेन है जिन्होंने पहली बार मेडल जीता। चलिए नीचे चलते हैं, 18th क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन, तो दोस्तों कब इनॉग्रेट हुई थी? 1961 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट, तो दोस्तों ये भी काफ़ी बार करा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस तो आपको एकदम रट जाने चाहिए, इसीलिए मैंने आज बोला स्कोर ज़रूर बताना है, क्योंकि देखना है कि कौन कौन तैयारी कर रहा है और कितना पढ़ रहा है और कैसी चीज़ें कर रहा है। 20th क्वेश्चन, ERG सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? ERG थ्योरी वॉज गिवन बाई, तो दोस्तों किसने दी थी? एल्डरफर ने दी थी, ठीक है दोस्तों, एल्डरफर जी ने। 21st क्वेश्चन देख लेते हैं, एकल ओलंपिक खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू विन 7 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक गेम्स, तो दोस्तों कौन थे? लोग कहते हैं माइकल फिलिप्स, नहीं जी, मार्क स्पिट्स करेक्ट आंसर है, और 1972 में मुनिच ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है जी, स्विमर हैं बहुत फेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 क्वेश्चन, किसने शुरू की शारीरिक शिक्षा? हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन, तो दोस्तों किसने शुरू करी थी? फ्रेडरिक जॉन, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है जी। 23rd क्वेश्चन, हमारे शरीर में मौजूद झूठी पसलियों की संख्या है, नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी,
तो दोस्तों गलती ना करें, टू को करेक्ट ना करें, नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स पूछा है ना कि यहाँ पे पेयर पूछा है। तो दोस्तों पेयर नहीं पूछा, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे 4, ठीक है जी। 24th क्वेश्चन, मानव के मूत्र मूत्राशय की मांसपेशी किस मांसपेशियों से बनी होती है? मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ विच मसल्स? तो करवा चुका हूँ मैं ये आपको, डेट्रूसर मसल से बनी होती है, ठीक है दोस्तों, डेट्रूसर मांसपेशियों से बनी होती है, जैसे हमारे टेस्टिस की क्रीमास्टर की बनी होती है मसल्स। 25th क्वेश्चन, डिस्कस को फेंकने से पहले फेंकने वाला चारों ओर चक्कर लगाता है। बिफोर थ्रोइंग द डिस्कस द थ्रोअर स्पिन्स अराउंड द थ्रू द सर्कल्स। तो कितनी बार पूछ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करवाया नहीं है क्योंकि आज ही ग्रुप में हुआ था, हमारे MCQ पेड ग्रुप में शॉर्ट पुट टॉपिक था। क्योंकि मान लीजिए ये आपका शॉर्ट पुट का ग्राउंड है, ठीक है जी, जो भी प्लेयर है वो भी ऐसे खड़ा हुआ है और उस तरफ मुँह कर रखा है, इस तरफ मुँह कर रखा है, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहा है कि जब ये स्पिन रोटेशन टेक्निक से हिट करेगा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, देखो इतना घूमेगा एक बार तो, ठीक है जी, और फिर इतना ही और घूमेगा और बस फिर यहाँ से फेंक देगा। तो ये कितना हो गया, एक सर्कल तो पूरा हो गया और एक आधा हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 1.5 टाइम्स, मतलब कि डेढ़ गुना हो जाना, ठीक है जी, एक सर्कल का डेढ़ गुना। मानो एक सर्कल ये है तो इसका डेढ़ गुना, मतलब कि डेढ़ गुना, ठीक है जी। चीज़ों को ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे जो न्यू है बिल्कुल। 26th क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो इवेंट के सर्कल का व्यास क्या है? व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ डिस्कस थ्रो इवेंट? तो ये भी आज पेड ग्रुप का क्वेश्चन है। कितना है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है, 2.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। 27th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर पहली बार कौन से ओलंपिक का प्रसारण किया गया था? विच ओलंपिक वर फर्स्ट इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन? तो दोस्तों कब हुआ था, 1960 समर ओलंपिक्स में। देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहा है, इंटरनेशनली कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ अगर ब्रॉडकास्ट की बात होती, ये ना होता अंतर्राष्ट्रीय, तो आप लोग सी ऑप्शन करेक्ट कर देते, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनली है तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर डी है हमारा। चलिए नीचे चलते हैं, 28th क्वेश्चन पर, भारतीय ओलंपिक संघ में कितने उपराष्ट्रपति पाए जाते हैं? हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट आर फाउंड इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन करा रखा है ग्रुप में भी, यहाँ पे भी गलत हो गया था दोनों जगह पे। कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 9 होते हैं, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है, 8 हमारे नॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा, और कोई पूछे वैल्यू तो 9 को बता देना कि 9 होते हैं, ठीक है जी। 29th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड? तो दोस्तों 1891 में हुआ था, ठीक है, जेम्स नेस्मिथ जी ने बनाया था ये गेम, इन्वेंट करा था। ईयर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30th क्वेश्चन, थोरेसिक मध्य रीढ़ में एक बाहरी वक्र है जिसे डैश कहा जाता है, द थोरेसिक मिडल स्पाइन हैज़ एन आउटवर्ड कर्व कॉल्ड? तो दोस्तों कई बार बता चुका हूँ ये ऐसे कुछ हो जाती है ये प्रॉब्लम, ये आउटवर्ड हो जाता है थोड़ा सा बाहर, तो इसको काइफोसिस कहते हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा काइफोसिस। 31st क्वेश्चन, प्रभाव का नियम के रूप में भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज? लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है, आपने ये मान लीजिए आपने बहुत प्रैक्टिस करी और आपने कोई कंपटीशन खेला और आप विन कर गए, मतलब कि जीत गए, थोड़ा सा समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जीत गए तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको फल मिल गया और आप अपने जो भी आपको फल मिला है उससे आप संतुष्ट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का नियम, ठीक है दोस्तों। 32वां क्वेश्चन, पूरे शरीर को घुमाते हुए डिस्कस को फेंकने वाला पहला आधुनिक एथलीट कौन था? द फर्स्ट मॉडर्न एथलीट टू थ्रो द डिस्कस वाइल रोटेटिंग द बॉडी होल बॉडी वॉज? तो ये भी आज पेड ग्रुप का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले एथलीट कौन थे जिन्होंने अपनी बॉडी को पूरा होल कम्प्लीटली रोटेशन टेक्निक से डिस्कस थ्रो को फेंका था? डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फ्रेंटिसेक जेंडासुक इनका नाम है, थोड़ा वियर्ड नाम है, और इससे कन्फ्यूजन ना करें सी ऑप्शन से। ये कौन थे, तो इन्होंने ग्लाइड, जो ग्लाइड टेक्निक होती है आपकी शॉर्ट पुट और इन सब में, तो इसका इन्वेंशन इन्होंने करा था, ठीक है जी। 33, रियो 2016
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार किन दो देशों ने भाग लिया? विच कंट्रीज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन रियो 2016 समर ओलंपिक्स? तो दोस्तों कोसो और साउथ सूडान यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है जी। 34th क्वेश्चन, किस दौड़ में स्टैगर का इस्तेमाल नहीं होता? इन विच रेस स्टैगर इज़ नॉट यूज्ड? तो स्टैगर का मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे ये आपका एथलेटिक्स का ग्राउंड है, थोड़ा माइंड मत करना, थोड़ा सा अजीब सा बनेगा ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। इसमें दो ही बना देता हूँ ज़्यादा, चलो एक और बना देते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ जो आपकी लाइनें रहती हैं कुछ इस प्रकार से रहती हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहती हैं आपकी, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रहती हैं। ये इसलिए रहती हैं ताकि ओवरऑल जो डिस्टेंस है रनिंग का वो सबका सेम न रहे, ऐसा ना हो जाए कि ये लोग कम भागें और ये लोग ज़्यादा भागें, तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। 100 मीटर में सेम डिस्टेंस, मतलब कि सीधे सारे के सारे एक लाइन में खड़े होते हैं, फिर 100 मीटर शुरू होती है, क्योंकि 100 मीटर इतने में ही कवर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी फास्ट स्प्रिंट होता है तो उसमें हम कर्व पे नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा, 100 मीटर। 35th क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, प्लैंक किस प्रकार के व्यायाम का एक उदाहरण है? प्लैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज? कोई भी एक्सरसाइज, मूवमेंट नहीं हो रही है, आपने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो वो किसकी होगी? आइसोमेट्रिक होगी। ये गलती से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वीडियो में थोड़ा सा गलती से गलत हो गया था, हालांकि आंसर पता था, लेकिन वो वीडियो बनाते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है दोस्तों। आइसोमेट्रिक इसका आंसर एकदम सही है। 36th क्वेश्चन, बेटन लकड़ी या प्लास्टिक का एक खोखला सिलेंडर डैश में पेश किया गया था। द बैटन अ होलो सिलेंडर ऑफ वुड और प्लास्टिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश ईयर। तो बैटन आप जानते होंगे, रिले रेसिस में 3000 स्टीपल चेज तो नहीं, रिले रेसिस में यूज़ करते हैं। और कब हुआ था दोस्तों ये, कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो 1893। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखा है, याद रखिएगा। 37th क्वेश्चन, ओलंपिक शपथ जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के खिलाफ घोषणा ओलंपिक खेलों में शुरुआत की गई थी। ओलंपिक ओथ विच इंक्लूडेड डिक्लेरेशन अगेंस्ट डोपिंग एंड ड्रग्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ओलंपिक गेम्स? तो दोस्तों सिडनी 2000 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38th क्वेश्चन, कम या कोई वृद्धि या गिरावट की अवधि एक स्थिति है। अ पीरियड और स्टेट ऑफ लिटिल और नो ग्रोथ और डिक्लाइन। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन क्या होती है, जैसे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, आप डांस सीख रहे हैं आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह स्थिर हो जाती है परफॉर्मेंस, तो क्या कहते हैं उसको, पठार कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। जैसे माउंटेन एक जगह स्थिर रहता है, ऊपर जाके ऊपर चले जाता है एक बार माउंटेन और फिर स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही परफॉर्मेंस भी स्थिर हो जाती है, बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 39th क्वेश्चन, 3000 स्टीपल चेज दौड़ में प्रत्येक गोद में हैं। इन 3000 स्टीपल चेज रेस ईच लैप हैज़। तो दोस्तों हर लैप में कितने बैरियर होते हैं आपके? चार नियमित अवरोधक और एक जल अवरोधक होता है आपका, चार रेगुलर बैरियर एंड वन बैरियर वाटर बैरियर, ठीक है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 40th क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, हाफ मैराथन एक रोड रिंग इवेंट है। हाफ मैराथन इज़ अ रोड रनिंग इवेंट ऑफ। तो दोस्तों कितना इसका डिस्टेंस है ये पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, 21,097.5 मीटर, या इसका हम कह सकते हैं 21, इसकी जगह ये भी ऑप्शन में आ सकता है 0.98, बस इतना भी आ सकता है, तो इसको भी राइट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 41st क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो दोस्तों नीता अंबानी पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन करा है इंडिया की तरफ से, ठीक है जी। 42nd क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हल्का सा। मैराथन दौड़ दूरी 42.195 कब मानकृत हुई? मैराथन रेस डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर स्टैंडर्डाइज्ड इन। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन में हमेशा पहले ये देखें कि किस ओलंपिक की बात हो रही है, किस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ईयर दिए रखें, ना कि कोई ओलंपिक पूछा है हमसे, तो ईयर की बात करें तो 1921 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, कंफ्यूज ना हुए। 43rd क्वेश्चन, फाटलेक प्रशिक्षण को पहले तैयार और अपनाया किसने था। फाटलेक ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट डिवाइज्ड एंड अडॉप्टेड इन, तो दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, 12th क्लास के बच्चे भी आजकल ये क्वेश्चन इजीली कर रहे हैं। 44th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित कमी का रोग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज। तो दोस्तों पेड ग्रुप में भी सबने क्या करा, पहला ऑप्शन देखा एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी, बोला सही है सर एकदम, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए हमें कम से कम, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है सबसे पहले, तो फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, रेटिनॉल और जेरोपथैलेमिया, ठीक है दोस्तों, मतलब कि विटामिन ए और नाइट डेफिशिएंसी आप कह सकते हैं, नाइट में मतलब कि कमी आ जाना दिखने में। 45th क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम और आइसोकाइनेटिक व्यायाम सभी डैश के रूप हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ, तो सब किसकी फॉर्म्स है दोस्तों, सही बताएं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की, प्रतिरोध व्यायाम की, एक चीज़ को आप रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे आइसोमेट्रिक में आप अपने वजन का यूज़ लेते हैं, आइसोटोनिक में वेट का यूज़ लेते हैं, आइसोकाइनेटिक में मशीन का यूज़ लेते हैं। 46th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सुक्रोज, ठीक है, ये क्या है, तो एक नेचुरल है, मतलब कि प्राकृतिक आप कह सकते हैं स्वीटनर है, मिठास का एक मिठास देने वाला सब्सटेंस है, ठीक है जी, टेबल शुगर भी कहा जाता है इसी को ही, जो हम नॉर्मली घरों में खाते हैं। 47th क्वेश्चन, यर्केस डॉडसन कानून किस वर्ष में बना। यर्केस डॉडसन लॉ फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो काफ़ी बार करा चुका हूँ, 1908 में पेपर में भी आया है, ठीक है जी। 48th क्वेश्चन, बास्केटबॉल की परिधि क्या है, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बास्केटबॉल, तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है, 75 से 78 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आखिरी के दो क्वेश्चन और, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पीड में बिना रुकावट के क्वेश्चंस कराए हैं, अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके, इतना बोल लिए हैं कि थोड़ा शब्द भी हिल जा रहे हैं अब। एक धावक के दाहिने हाथ की दिशा हमेशा डैश की ओर होती है, अ रनर राइट हैंड इज़ ऑलवेज टूवर्ड दी, तो चाहे पैर कह लो चाहे हाथ कह लो, वो किस साइड होता है, आउटसाइड द ट्रैक, पटरी के बाहर की तरफ, जैसे ये आपका कोर्ट है, कोर्ट नहीं मतलब एथलेटिक ट्रैक आपका, ठीक है जी, तो आप एंटी चलते हैं हमेशा, हमें पता है कि एथलेटिक्स में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस डायरेक्शन में नहीं होता है, ऐसे रनिंग होती है हमेशा, तो अगर आप सोचो अगर आप ऐसे चलते हुए जा रहे हो तो ये जो आपका सीधा हाथ है राइट हैंड है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। 50th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपको जो भी कहना है, आप जो भी कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, या अगर आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लगी है, कोई कमी लगी है तो कमी भी बताइएगा, कमी पर ध्यान दिया जाएगा। मासलो के पदानुक्रम की ज़रूरतों के लिए कौन सी ज़रूरत सबसे ऊपर है, विच नीड इज़ ऑन टॉप ऑफ द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो इस टाइप का टेबल है आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है सबसे ऊपर, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्मबोध है, जब आप समझ जाते हो कि आपकी जीवन का मुख्य जीने का क्या रीज़न है, आप क्यों आए हो इस धरती पे, ठीक है दोस्तों, हमारी उम्र में ये चीज़ें नहीं आती हैं, हमारी उम्र में हम लोग सोचते हैं आज पैसा कमा लेते हैं, घर ले लेते हैं, शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर बच्चों का एडमिशन कराऊँगा, लेकिन जैसे एक फ़ौजी है, जब वो फ़ौजी युद्ध में जाता है तो वो ये सब चीज़ें छोड़ देता है पीछे, वो सिर्फ क्या सोचता है, अपने देश की सोचता है, ठीक है दोस्तों, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसको उस वक्त अपनी किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी, उसे अपने देश की पड़ी, अपनी माता की पड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कमेंट को, फिर गलत हो गया दोस्तों ज़्यादा ही बोल लिया लगता है आज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।